आपको मेरी जान की परवाह है, आपको जो कुछ भी पता है प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज देवर जी। कॉलेज में हमारे साथ पढ़ती थी, धीरे धीरे पता चला कि वो थोड़ा जिद्दी है, हर वक्त भाई के पीछे पीछे रहती थी। छोड़े करने कहते दो। ओके या कमिंग। हाय विल्स। हाय। हाय आरू। हाय। आरू, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? एक्चुअली मेरे रूममेट्स बहुत ही नॉइजी है, सो प्लीज। ओके। थैंक यू सो मच। कॉलेज में हर जगह भाई को फॉलो करती थी। एक दिन भाई अपने दोस्तों के साथ कहीं चले गए, वापस आने में थोड़ा लेट हो गए। You saw that girl? Yeah, I know, right? हमें What the hell is all of this? What the hell is this, हाँ? इतना टाइम लगता है घर आने में? You had told me, आरो, कि एक घंटे में वापस आओगे और तीन घंटे हो गए। Is this right? उस इंसिडेंट के बाद भाई ने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। But we all were shocked जब हमें पता चला कि वो वहां से खुद को मारने के लिए चली गई। तुम जैसे चाहती हो वैसा ही होगा। ओके, तब पता चला कि उसका इलाज चल रहा है, उसे एक बीमारी है, सिद्ध करने की बीमारी। आरो, एक बार फिर से कहूंगा, धामी नीड्स हेल्प राइट नाउ। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। She needs support and love. That's her medicine. थेरेपिस्ट को लगा कि भाई भी उससे प्यार करते हैं। इसका मतलब है उसने अपने थेरेपिस्ट से भी झूठ बोला। और फिर कुछ नहीं। क्या तमाशा लगा रखा है? What is all this? तू क्या कहानी सुना रहा है इनको? तुझे पता है ना तू बोलेगा तो क्या होगा? भाई मैं तो बस नहीं, पता है कि नहीं? टेल मी। चल यहां से। सिमर, कुछ तो बहुत गलत हुआ है। दी, हम सच के थोड़े करीब तो आ गए, बस बाकी का सच भी पता चल जाए तो ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा दी। धामी की वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता सिमर। कैसे बांधू ये पट्टी? ये तो बंद ही नहीं रही है। आरव जी, बड़ी मालकिन, सिमर बहू आपको बुला रही है।
हाथ की पत्ती बदलनी है। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। सिमर बेटा। बड़ी माँ, हम तुम्हारी पत्नी बदल देते हैं। बड़ी माँ, आपको कैसे पता चला कि मुझे हेल्प चाहिए थी? आपकी आंखों से कुछ नहीं छुपता ना। ऐसी बात नहीं है बेटा, हमें तो घर के किसी नौकर ने, महाराज जी ने शायद, उन्होंने बताया कि तुम्हें पत्नी बदलने में हमारी मदद की जरूरत है, तभी तो हम आए। लगता है आरव जी ने बोला होगा। हाँ हाँ बड़ी माँ, वो मैंने ही कहा था, भूल गई थी। मेरे लिए आने के लिए थैंक यू बड़ी माँ। बड़ी माँ भी कहती हूँ और थैंक यू भी, गलत बात। तुम आराम करो, हम चलते हैं। सब ठीक हो जाएगा, माता रानी पर भरोसा रखो। कहते हैं अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जय माँ दुर्गा। देवर जी ने आज जो धामी के बारे में बताया है, उससे कोई तो लीड मिलनी चाहिए। ये धामी इस वक्त छुरे छुपे कहाँ जा रही है? Yes, yes, I've got your mail. Our chief operation officer will get in touch with you. हाँ जी, शुक्ला जी है ना? Correct. सुमर का मैसेज। Yeah, I'll call you tomorrow morning. Okay? Thank you. कोई बहुत जरूरी बात करनी है आरव जी, ऐसा कुछ है जो आपको नहीं पता है? मुझे पता होना चाहिए। Please, 5 मिनट बाद मुझे घर के बाहर मिलिए। ऐसी क्या बात हो सकती है? छोड़ो मेरा हाथ समर, ये क्या बदतमीजी है? सिमर, हम दोनों का बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिमर, क्यों कर रही हो? किसके लिए कर रही हो? तुम्हें आरव की सच्चाई क्यों नहीं दिख रही है अभी तक? तुम आरव जी के खिलाफ बोल रहे हो। तुम जिसने एक लड़की को उसकी शादी वाले दिन किडनैप कर लिया था। समर, मैं चुप रही इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ भूल चुकी। तुम्हें अपनी हरकतों का जुर्माना तो भरना होगा समर, लेकिन अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और तुम्हें रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ बोलना है तो जल्दी बताओ। सिमर, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ आरव से। लड़कों को ये क्यों लगता है कि तुम्हें लड़कियों को बचाने की जरूरत है? समर, ये मत भूलो कि जन्म देने वाला आदमी नहीं,
एक औरत होती और जन्म देने वाली को किसी की रक्षा की कोई जरूरत नहीं होती। मेरी नजरों में तो तुम ऑलरेडी गिर चुके हो सब, तो इट्स हाई टाइम यू स्टॉप ऑल दिस। और ऐसे चोरों की तरह मुझसे मेरे ससुराल में आके मिलने की कोई जरूरत नहीं। मेरे परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी बहू किसी लड़के से मिले, ट्रस्ट है हमें एक दूसरे पर। सो अगर आना है तो गेट से आना और मुझे घर में मिल, पर ना आज के बाद ना तो मैं तुम्हारा फोन उठाऊंगी ना तुमसे मिलने आऊंगी। सिमर, सिमर, प्लीज मुंह मत मारो, मेरा दिल टूट जाएगा। सिमर, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आई लव यू। मेरा हाथ छोड़ो समर। सिमर, आई लव यू। I love you, Sumer. Sumer, please, please try to understand. मैं जैसे पहले फील करता था ना, आज भी वैसे ही फील करता हूँ। भी वैसे ही महसूस कर रही हूँ। सिमर, सिमर, आई लव यू। सिमर, मेरे पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे की? हारू, स्टॉप इट। हारू, समर पर गुस्सा होके क्या फायदा, जब गलती इस सिमर की है। देखा ना हम दोनों ने, अभी कैरेक्टर गिरा हुआ इस सिमर का है। दावे, प्लीज माइंड योर वर्ड्स। सिमर के बारे में कुछ मत बोलो। सिमर का नाम मत निकाला बेकार दे जबान से। कैरेक्टर, सिमर का कैरेक्टर, वो ऊपर वाला भी आए ना आके मुझे बोले कि सिमर के कैरेक्टर में कुछ दाग है तो भी मैं उससे लड़ जाऊंगा, तू क्या चीज। सिमर के नब्ज नब्ज से वाकिफ हूं, उसके आत्मा को जानता हूं। सिमर, शी इज अ प्योर सोल, उसके कैरेक्टर में कोई दाग नहीं, लेकिन लेकिन तेरे इस चेहरे पे बहुत सारे दाग आने वाले हैं। मेरे सिमर को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? पता है हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है? लक्ष्मण रेखा बनाई जाती है ऐसे औरतों के लिए, सुन रहा है तू? औरतों के साथ हमेशा ज्यादती होती है।
ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, इस वक्त पे घर आ जाओ, सोसाइटी से प्रेशर, फैमिली से प्रेशर, हर जगह से प्रेशर। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लक्ष्मण रेखा बनाए गए इस सतयुग में, और ये कलयुग है। हम ये भूल जाते हैं, यहाँ दायरा, यहाँ सीमाएं, यहाँ लक्ष्मण रेखा मर्दों के लिए होनी चाहिए, उन पर पाबंदियां होनी चाहिए कि वो अपने दायरे में रहे। गए वो दिन जब एक औरत को देखकर तुरंत ऐसे कोई भी शक कर लिया करता था। अगर खुद के अंदर का इंसान जगा हो ना, तो दिख जाता है कि सामने कौन खड़ा, भगवान या शैतान। I can see the evil in you. लाख मना करने के बावजूद भी बार बार यहां चला आता। मैं खुद नहीं आया था, सिमर ने मुझे बुलाया था। जाते जाते एक और टिप पर ही सुनते जा। जो लोग झूठ बोलते हैं ना, उनकी एक खास बात होती है, वो लोग कभी आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते, हर हालातों में अपनी बात बदलते रहते हैं। और सच बोलने वाला कभी नजर नहीं चुराता। क्योंकि वो सच कहता और सिर्फ एक बार कहता और उस बात पर अटल रहता। स्टॉप इट अल। हर वो सच वही होता है जो लोगों के सामने होता है, और हमने अभी जो देखा वही सच है आरू। None of your business. जिसके बारे में कुछ जानते नहीं उससे दूर रहो, ओके? It is my business. तुम मेरे हस्बैंड हो आरू, and I cannot tolerate कि मेरा हस्बैंड किसी और औरत का हाथ पकड़ के। सिमर के खिलाफ एक शब्द है। मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं सच कह रही हूँ आरव जी, मैंने इस समर को यहाँ नहीं बुलाया था। मैं तो धामी का पीछे करते करते घर के बाहर आ गई, और जब बाहर आई तो इस समर ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। बस सिमर, झूठ बोलने की भी हद होती है। उस दिन जब शादी के दिन मैं रूम में तैयार होने के लिए गई थी, तब किसी ने मुझे पीछे से डंडा मार दिया और मैं बेहोश हो गई, और जब नींद खुली तो मैं उस समर की गाड़ी में थी। बहुत चीखी आरव जी, बहुत चिल्ला, मैंने हाथापाई भी किया आरव जी, मैंने कहा कि मेरी शादी है, मुझे जाने दो, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। मैं किसी तरह उसे पीछे छोड़ा कर आई आरव जी, और जब घर पहुंची तो ये धामी मेरी जगह खड़ी थी। सब इस समर की वजह से हुआ है, ये सब इस समर की वजह से हुआ है, इसकी वजह से आज हम इस जिंदगी के इस चौराहे पर खड़े, इसने मुझे किडनैप किया था रब जी, इसकी वजह से ये सब हुआ है। इजाजत नहीं है समर। सिमर के बारे में सोचो हरू, अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो सिमर का क्या होगा? निकल जाए यहां से। Get out of here. इससे पहले मेरे हाथ से और कुछ गलत हो जाए, निकल जाए यहाँ से।
चले जाओ यहां से सब। सुना नहीं तुमने आरव जी ने क्या कहा? इस घर की दहलीज तुम्हारे लिए लक्ष्मण रेखा, इसे लांघने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। अब चले जाओ यहां से। चलो सर। कितना भी कुछ कर लो, कितने भी पैतरे अपना लो, कितने भी इमोशंस दिखा दो, लेकिन ये आरव और सिमर को मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ। समर? Yes. नहीं धर्म, इनकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी टेंशन्स हो, ये दोनों वापस से साथ हो जाते हैं, इनका ट्रस्ट और बिल्ड होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम इन दोनों को दूर कैसे कर सकते हैं। दूर होंगे समर, बहुत जल्द वो दोनों दूर होंगे। उस सिमर को ये लग रहा होगा कि धामी हार गई, उसका पासा उल्टा पड़ गया, लेकिन उसे क्या पता कि धामी के पासे कभी उल्टे नहीं पड़ते, क्योंकि धामी ने कभी हारना नहीं सीखा। सिर्फ एक ही पैतरा तो काम नहीं, मेरा अगला वार तैयार है। हाँ सब, ये बात है कि हम आरव को सिमर के खिलाफ नहीं कर पाए, लेकिन उसकी फैमिली को बहुत अच्छे से जान गई हूं मैं। जितना ये लोग प्यार प्यार करते हैं ना, उतना ही कंजर्वेटिव भी है। एंड गिविंग द हिस्ट्री फॉर सिमर, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को सिमर के खिलाफ भड़काने में मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है कि समर, जहां 5 लोग होते हैं वहां 5 बातें भी उठती हैं।